Hello guys, welcome back to my channel Rapid Reviewer. Today we are going to review Dark series. It one of my favorite web series available on Netflix. मुझे खुद नहीं पता मैं आपको इसकी स्टोरी कैसे बताऊं। स्टोरी टाइम ट्रैवल रिलेटेड है। अगर आपने प्रीडेस्टिनेशन मूवी देखी होगी जिसमें हमें टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स दिखाया गया है, ठीक वैसे ही इस सीरीज में हमें नेक्स्ट लेवल की टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स दिखाई देगी। Really want to know how time travel works, how everything is connected, then this series is for you. इसके टोटल 3 seasons हैं। अगर आपके दिमाग पर जंग लगी है तो आप ये सीरीज देखकर जंग निकाल सकते हैं। Lots of my friends started this series पर बाद में सर के ऊपर जाने की वजह से give up कर दिया या यूं कहूं कि ये उनके लेवल की नहीं थी। But trust me guys, this series is like full stop. अगर आप ये सीरीज देखोगे तो इसके बाद कौन सी भी सीरीज देखना नहीं चाहोगे, इतना सस्पेंस टेंशन ये सीरीज पैदा करती है। People compare this series with Stranger Things, but it's not true. अगर Stranger Things is a drop, then Dark is the ocean. But still this series is underrated and people prefer Stranger Things over Dark. ये एक जर्मन वेब सीरीज है जो आपको इंग्लिश में डब मिलेगी। इसके राइटर डायरेक्टर और एक्टर्स ने मिलके ये जो बनाया है उसका रिप्लेसमेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सीरीज में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, फिर भी सभी की कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें सीरीज में देखने को मिलेगी। कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा, जो माँ है वही बेटी है और जो बेटी है वो माँ है, ऐसी दिमाग का दही करने वाली ये सीरीज है। वॉच दिस सीरीज इफ यू लव मिस्ट्री जॉनर। जस्ट रिमेम्बर डू नॉट गिव अप। Watch 3-4 episodes, उसके बाद आप सीरीज के इन हो जाओगे। What we know is a drop, what we don't know is an ocean. Please subscribe my channel Rapid Reviewer for more updates. Check out our other videos too.